देखो अज पंजाब सूबे दे विच लॉ एंड ऑर्डर की की स्थिति है ये किसे तो छुपी नहीं। खिडारियों के खेड मैदान दे विच कतल, नामवर गायक सिद्धू मूसेवाले का कतल, फिरकू हिंसा, पुलिस के हैडक्वार्टर के उत्ते अटैक, पुलिस सुरक्षा दे विच लोकां दा गोलियां मार के कतल, फरौतियां मंगियां जा रही ने ते फरौतियां ना देण ते वपारियां दा कतल, ये अज पंजाब दे हालात ने। ते इन्हां हालातां दे विच पंजाब दी सारी सरकार दूजे राज्यां दे विच चोण प्रचार दे विच व्यस्त। उस चोण प्रचार दे दौरान पंजाब दे मुख्यमंत्री, देखो मुख्यमंत्री जदों बन जांदे ने मुख्यमंत्री किसे पार्टी दे नहीं हुंदे, मुख्यमंत्री सारे सूबे दे हुंदे ने। ते जदों मुख्यमंत्री अपने कुर्सी दी जिम्मेवारी दे उत्ते कोई गल कहण तां ओह सारिआं नूं इह हुंदा कि मुख्यमंत्री गल कह रहे ने ते सच है। हुण साडे पंजाब दे मुख्यमंत्री साहब ने गुजरात दीआं चोणां दे विच इह गल कही कि जी सिद्धू मूसेवाले दे कतल दा मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ उहनूं अमरीका दे विच डिटेन कर लिआ गिआ। इस गल दे उत्ते मैनूं लगदा कि पंजाब दे हर एक बछंदे ने इस गल दा स्वागत कीता कि एक चंगी कारवाई है। पर शाम पैंदे पैंदे अगला दिन आउंदे आउंदे मुख्यमंत्री दे दावियां दी पोल खुली ते एक उगे पंजाब दे पत्रकार ने गोल्डी बराड़ दी एक इंटरव्यू दित्ती जिथे उन्होंने कहा कि मैनू डिटेन ही नहीं किया गया। तो हुण सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री ने पंजाब नू झूठ बोलिया या मुख्यमंत्री एडे अणजाण ने, क्योंकि मुख्यमंत्री पंजाब की अमरीका दे विच बैठी एजेंसियां दे सीधे राबते च ने, क्योंकि पत्रकार होण दे नाते तुसीं सारे वीरे समझदे हो कि जिहड़ी भारत सरकार है ओही किसे दूजे रा अपना देश दे विच उत्थों दीआं सरकारां नाल या एजेंसियां दे नाल राबते च रह सकती है। सो FBI की पंजाब दे मुख्यमंत्री नू सीधा रिपोर्ट कर रही है, क्योंकि ना तो हले तक गोल्डी बराड़ की जिहड़ी अरैसट है उहनू NIA ने कन्फर्म किया, ना FBI का कोई इहते ऑफिशियल बयान आया है, और ना ही गृह मंत्रालय ने या भारत का जिहड़ा विदेश मंत्रालय है उन्होंने इहदे बारे कोई पुष्टि की है। सो मुख्यमंत्री ये किस बिहाफ से बयान दिता जिन्हें पंजाब नू एक बार फिर पंजाब की पुलिस नू पंजाब की सरकार नू एक हासोहीणी स्थिति च फसा दिता। ते अज उस बयान तो बाद हुण मुख्यमंत्री आप चुप ने, सूबे के DGP नहीं बोल रहे, ते हुण एक कंग साहब वर्गे बुलारे जिहड़े हेक इशू ते आके प्रैस कॉन्फ्रेंस करन बैठ जांदे ने अज उह फिर सामने आए ते कहा जी कि मुख्यमंत्री दे बयान नू तुसीं बिलीव क्यों नहीं करदे। मैं गल कहना चाहुंदा कि मुख्यमंत्री दा बयान पैर पैर ते झूठा पिया। ये तां उही मुख्यमंत्री सी जिहड़े कहिंदे सी पंजाब च BMW दा प्लांट लग रिहा, उह नहीं पंजाब दे विच, उह मुड़ के खंडन होया कि BMW तां पंजाब च प्लांट ही नहीं ला रही। फिर ये कहिंदे जी पंजाब सरकार कहिंदी कि जिहड़ा दीपक टी नू सिद्धू मूसेवाले दा जिहड़ा कतल दे विच शामिल है वह जो इन्हों की गिरफ्त चो भज्या, कहिंदे जी वह साउथ अफ्रीका चला गया, वह दिल्ली पुलिस ने अजमेर तो फड़िया, ये पंजाब पुलिस की कारगुजारी है, तो फिर असी शक क्यों ना करिए। और दूजी गल अज पुश्त पनाही की बहुत वड्डी की गई। हुण मेरा मनजिंदर कंग नू आम आदमी पार्टी नू ते सारी सरकार नू एक सवाल है कि पुश्त पनाही हुंदी की है। सिद्धू मूसेवाले दे कतल दे विच जिन्ने लोग सी सारे दिल्ली पुलिस ने अरैसट किए, पंजाब पुलिस ने प्रोडक्शन वरंट ते लिआंदा, ते उरे जिस तरीके दे नाल दीपक टीनू नू होटलां दे विच लजाया गया, पब्बां दे विच लजाया गया, यही पुश्त पनाही हुंदी है। इहदे बारे सरकार जवाब दवे, और जदों उहनू भजाता इहनू पुश्त पनाही कहिंदे ने, फिर मालविंदर कंग साहब किहड़े मूंह दे नाल आके कहिंदे ने कि जी पुरानियां सरकारां ने पुश्त पनाही कीती, और फिर कहिंदे जी असीं सिद्धू मूसेवाले दे केस दे विच एड्डी कार्रवाई करती, उहदे मापिआं नू इनसाफ दे रहे हां। मैं मालविंदर कंग साहब नूं इह गल कहिणी चाहुंदा कि सिद्धू मूसेवाले दे जिहड़े पिता माता ने वह बार बार एक चीज़ का जिक्र करते हैं कि जी जिन्हां ने मुख्यमंत्री दे दफ्तर दे विच उहदियां सिक्योरिटी डिटेल्स लीक कीतियां उह बंदिआं दे उत्ते की कार्रवाई की, पंजाब सरकार तां अज तक वह बंदिआं ते कोई कार्रवाई नहीं कर सकी, उल्टा उन्हां नूं उच्च अहुदे दे के बख्शे, पहलां उन्हां नूं तां इनसाफ दिता जाए फिर आपां पुश्त पनाही दीआं गल्लां करिए। सो अज मेरा सारिआं दे माध्यम नाल इक सवाल है, सरकार नूं भी यह सवाल है कि काली दिखाई किने है। मालविंदर कंग साहब पुछदे ने कि जी विरोधियों नूं काली है, अरे विरोधियों ने तो स्वागत किया जो तुसीं कहा कि जी असी कार्रवाई की, असी गोल्डी बराड़ नूं डिटेन कर लिया, पर अज 3 दिन बीत जाण तो बाद भी सरकार कोई सबूत देण च सफल है, केंद्रीय एजेंसियां ने उस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं की, अमरीका जिथे हर एक चीज़ ऑनलाइन है उत्थों कोई पुष्टि नहीं हुंदी,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਹਲੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰੂਪੀ ਦਮੂਹਾ ਨਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਡੱਸ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਲਿਖਤੀ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਓ, ਫਿਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੋ। ਅੱਜ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਰੇ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ MLA ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਣ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਡਰਾਈ ਸਟੇਟ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਆ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ? ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਆਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਜੀ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਰੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਚਰਣ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਸਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਆ ਜੋ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ US ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, NIA ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਪੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? 2 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੁਧਰਨ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਸੂਬੇ ਦੇ DGP ਚੁੱਪ ਨੇ? ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐਡੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ DGP ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆ ਰਹੇ? NIA ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ,
विदेश मंत्रालय ने नहीं इसते कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, गृह मंत्रालय ने नहीं किया। सो मुख्यमंत्री ने किस बिहाफ से गल की है ये मुख्यमंत्री बेहतर पंजाबियों नूं दस सकते ने। जिस तरह कंग ने अज फिर कहा कहना चिट्टे दे विच किहड़े लोक इनवॉल्व सी, चिट्टा कौन लेके आए ने, किहड़े मजिठिया दी गड्डी दे विच भिंदी वर्गे घूमदे सी, ट्रक दे व्यापारी सी, सीधे तौर ते निशाना बिक्रम मजिठिया नूं लेके साधे आ चिट्टे दे व्यापारी, पहला पोस्टर लगे अज फिर एक वारी उही राग लग पै गया। देखो जो पहला पोस्टर लाए सी मैं गल क्लीयर कर चुके हैं कि केजरीवाल उरों माफी मंग के निकले, हुण भी हाई कोर्ट दे डिवीजन बेंच दा ऑर्डर है जिहड़ा ये दो सरकारां दे मूँह ते सीधी चपेड़ आ, चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो जिन्हें चोणां जित्तण दे लिए सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया ते झूठा मुकदमा बनाया, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैं मालविंदर कंग साहब नूं पुछना चाहुंदा कि वकील ने जदों सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया दे केस की हाई कोर्ट दे विच बहस चलती सी उत्थे जाके क्यों नहीं यह गल कर सके, उदों तां दिल्लीओं महंगे वकील लियाउणे पए इन्हां नूं, और उत्थे सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ तीन हाई कोर्ट ने तरीकां दित्तियां, फिर भी यह कोई सबूत पेश नहीं कर सके कि सिर्फ पंजाबियों नूं गुमराह करन दे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसां करदे ने। और दूजा मैं मालविंदर कंग नूं यह गल पुछनी चाहुंदा कि लियांदा तां दिल्लीओं बग्गा नहीं गया ते गल्लां इह करदे ने गोल्डी बराड़ दियां, सो यह गल्लां ठीक नहीं, पहला कोई कार्रवाई करके दिखाओ पंजाबी फिर थोड़े ते विश्वास करनगे। बेल मिली है बरी नहीं होई। मैं मालविंदर कंग साहब देखो जुडिशरी ने तो अपना काम करना है, पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी से क्यों चुप हो जाती है, वह तो बरी करके गए ने। अरविंद केजरीवाल जदों गोडे टेक के माफी मंग गए तो यह मतलब उन्होंने मन्या उस चिट्ठी दे विच लिखती है कि सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ साडे कोले कोई सबूत नहीं, असी कूड़ प्रचार किया, मैं उस झूठ की माफ़ी मंगता, और अगर सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया मेरे उस झूठ नाल कोई ठेस पहुंची है तो मैं अनकंडीशनल माफ़ी मंगता। तो यह तो वड्डी गल मैनू लगता कि या तो मलविंदर कंग हुण अरविंद केजरीवाल तो वड्डे हो गए ने, नहीं जदों नैशनल कन्वीनर यही जी गल करे फिर मालविंदर कंग साहब को कहने कुछ बच नहीं जाता। एक चीज आम आदमी पार्टी होर कह रही है कि असी मूसेवाला हत्याकांड च 29 जने पकड़े ने, असी अपनी कार्रवाई करती है, अगे दी कार्रवाई हुण सेंटर ने करनी। देखो कार्रवाई अगर उहदे च किसे ने कीती है तो दिल्ली पुलिस ने कीती है, इन्हां ने तां शुरू तो लैके अंत तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने पुश्त पनाही कीती। हुण मालविंदर कंग ते आम आदमी पार्टी इस गल का जवाब दे कि दिल्ली दीआं जेलां दा डायरैक्ट कंट्रोल किहदे नीचे है। सतिंदर जैन की वीडियो तुसीं सारिआं ने देखी, सतिंदर जैन नूं किस तरीके अंदर रखिया जा रहा, 5-star फैसिलिटियां दित्तियां जा रही, किस तो लुकिया छिपिया नहीं, उस जेलां दे विच जिन्हां ने सिद्धू मूसेवाले का कतल किया उस जेलां दे विच बंद सी, उत्थी प्लैनिंगां होईआं, और की इह पुश्त पनाही नहीं। अगर दिल्ली पुलिस तो रिमांड ते लिया के उरे किसी नूं पहलां तां जवाईआं वांगू रखना ते फिर भजा देना कि यह पुश्त पनाही नहीं, और सिद्धू मूसेवाले के माता पिता इंसाफ की गुहार बार बार लगाउण ते कहण भाई जिन्हां ने सिक्योरिटी डिटेल लीक की थी उन्हां ते कोई कार्रवाई करो सज़ा दो, फिर की है वो लोगों की पुश्त पनाही नहीं जिन्हां ने सिक्योरिटी डिटेल लीक की। सो पुश्त पनाही अगर किसी ने की है तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो बारे जवाब पंजाबियों नूं आके देण। जो कह रहे ने डिटेन किया गया है, जे वो झूठ बोल रहे ने फिर अकाली दल इस ते की करेगा, की किवें रिएक्ट करेगा पोलिटिकली? देखो मैं फिर दोबारा थोड़े माध्यम नाल ये गल कहनी चाहुंदा कि भगवंत मान साहब सामने आउण क्यों नहीं अज बोलदे कि यह सूबे का बहुत छोटा मसला है लॉ एंड ऑर्डर का, कि वह सिंगर जिन्हें पंजाब नूं देशां विदेशां तक पंजाबियों का नाम चमकाया, कि वो कतल की जिहड़ी कॉन्सपीरेसी है वह कतल होना कि यह छोटी गल है, मुख्यमंत्री अज सामने आके लोगों को क्यों नहीं दसते, क्यों नहीं DGP इस गल ते बयान दिंदे? विरोधी धिरां तां सवाल करनगियां, पंजाब सवाल करूगा, पंजाब का हर एक बछिंदा सवाल करूगा कि हुण एक कॉन्सटीट्यूशनल पोस्ट ते बैठे बंदे इस तरीके झूठ बोलणगे, कि ये उस सौं दा अपमान नहीं जिहड़ी उन्होंने मुख्यमंत्री दे तौर ते चुकी सी, क्योंकि गृह मंत्री होके अगर किसी केस की चलती इनवेस्टिगेशन दे विच इस तरीके का गुमराहकुन बयान देना बिना सबूत तो देना तो यह बहुत वड्डा चिंता का विषय पंजाब दे लिए। कह रहे हो कि CM इनवेस्टिगेशन नूं गुमराह कर रहे ने ऐसे बयान दे, या मुख्यमंत्री गुमराह कर रहे ने, या मुख्यमंत्री अणजाण ने, ते या मुख्यमंत्री का सिर्फ ते सिर्फ इको एजेंडा जिहड़ा पिछले 6 महीने तो चलिया आ रहा है कि किस तरीके दे नाल केजरीवाल की झूठी राजनीति नूं दूजे सूबयां दे विच चमकाउणा है, क्योंकि जिस तरीके दे नाल कल काल दे विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उतों यह स्पष्ट है कि सिर्फ गुजरात दे विच वोटां लैण दे लिए वह ड्रामा मुख्यमंत्री वालों खेडिया गया। सिद्धू मूसेवाला के पिता के वालों अज कुलदीप सिंह धारीवाल दे नाल मुलाकात की गई है, और कल भी कल परसों तुसीं उन्हां दा बयान सुणिया होगा, कहिंदे पुलिस जांच ते मैनूं हुण भरोसा हैगा, अल्टीमेटम देण तों बाद कहिंदे पुलिस सही ट्रैक ते नजर आ रही है। देखो सिद्धू मूसेवाला दे परिवार ने 25-25 दिनां दे किन्ने अल्टीमेटम सरकार नूं दित्ते,
और यह गल तक कह देनी एक पिता वालों ना उम्मीद होके कि मैं FIR ही वापस ले लेनी है, मुख्यमंत्री के मूँह से उदन ही एक बहुत वड्डी चपेड़ सी। पर मुख्यमंत्री मैनू लगता हले भी नहीं जागे, हले भी उस तरह का गमराहकुन बयान जारी है। सो इस तो सबक लैके पंजाब के मुख्यमंत्री दूजे सूबे दे विच अपनी जिहड़ी होछी ते गंदी राजनीति छड के पंजाब दे वल अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पीसी नूं लैके अकाली दल दा कोई लीगल एंगल रहेगा क्योंकि सारा कुछ दसता मानहानी दा मुकदमा करन जा रहे हो जां नहीं करन जा रहे, जो सवाल कीता जांदा उदों केजरीवाल होरां दा जिक्र हुंदा है। तुसीं कह रहे हो कि बिना सबूत तों उन्हां ने बयान दित्ता, मालविंदर कंग होरां ते स्पैशल कार्रवाई करन जा रही है कदे? मैं आम आदमी पार्टी मालविंदर कंग जिहड़ा भी कोई झूठा बयान दऊगा ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਚਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਪੀਸੀ ਤੇ ਲੀਗਲ ਐਂਗਲ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲੂਗਾ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੀਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਘਟਾ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਫੇਮੇਟਰੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ।